Hello guys, good morning. My name is Hitesh. Welcome back to my YouTube channel, HB Vlogs. So, अभी बज रहे हैं 5. So आज राइड पे जाने का प्लान बना है बहुत दिन के बाद, तो उसी के लिए अभी निकल रहे हैं. यहाँ से अभी एक दोस्त के घर की तरफ जाएंगे, उसको साथ में लेके फिर जाएंगे. ये देखो चलो निकलेंगे अभी. हो यहाँ से फ्यूल टॉप अप करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे. ठीक है पकड़ा तमा. सब राइडर यहाँ पे आ चुके हैं.
में एक ग्रुप राइड के लिए गया था। एक एक्सपीरियंस अच्छा मिला ग्रुप राइड में। एक्सपीरियंस ऐसा कि मतलब हम लोग 35 लोग थे और सब उन्होंने ऐसे मैनेजमेंट किया था ना कि सब राइडर बाइकर्स एक लेन में ही जाएंगे। अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो एक लेन में ही जाएंगे, ट्रैफिक नहीं रहेगी तो दो लेन में चलाएंगे गाड़ी। अच्छा एक्सपीरियंस था। वांद्री लेक गए थे हम लोग। आपको जाना होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और ग्रुप राइड करने की एक बेनिफिट ये है कि बेनिफिट ऐसा है कि अगर कोई बाइकर अचानक से गाड़ी में कुछ ब्रेक डाउन हो जाए तो बाकी के बाइकर उसको हेल्प करने के लिए तुरंत आते हैं। मतलब जल्दी से उनको मतलब ज़्यादा किधर जाना नहीं पड़ता, रुकना नहीं, हेल्प मांगने के लिए। वो एक बेनिफिट अच्छा है ग्रुप राइड का। बाद में हम लोग यहाँ से 5:30 बजे निकले, मीटअप पॉइंट पे पहुँचे, फिर बाद में वहाँ से फ्लैग ऑफ हुआ 6:30 बजे। फिर वहाँ से डायरेक्ट वांद्री लेक गए। वहाँ पे ज़रा घूमे, फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। बाद में उन्होंने गेम वगैरह लिया, क्विज लिए, और जो आंसर देगा वो उनको गिफ्ट भी मिला। फिर उसके बाद गिफ्ट हैम्पर दिया जितने भी थे बाइकर्स, सिर्फ बाइकर्स, पिलियन को नहीं। एंड देन राइड ख़त्म हुई, घर पे आए हम लोग। घर पे आने के बाद सो गए हमें, रात को नींद पूरी नहीं हुई थी बिकॉज दोस्त ने बहुत लेट इन्फॉर्म किया मेरे को कि ऐसे ऐसे राइड है करके, तू चल। ग्रुप राइड अपाची फैंटम मुंबई उनके तरफ से थी। वो लोग कुछ ना कुछ राइड रखते ही हैं, नए नए प्लेस पे राइड रखते हैं वो लोग। एक पीछे राइड रखी थी सेव अर्थ करके, तभी बारिश चालू थी इसके लिए वो राइड कैंसिल हो गई। सब जगह पानी भर गया था इसके लिए। बाद में वो लोग ने नेक्स्ट संडे, दूसरे या तीसरे संडे को राइड रखी, बट मैं अवेलेबल नहीं था इसके लिए गया नहीं। अगर आप सोलो राइड कर रहे हो तो सेफ्टी लेके चलो, सेफ्टी राइडिंग गियर्स भी होना चाहिए। लंबी राइड कर रहे हो तो राइडिंग गियर्स पहनना ज़रूरी है। सोलो में दिक्कत ऐसी है कि कभी कुछ गाड़ी अचानक से ब्रेक डाउन हो गई तो मदद मांगनी पड़ती है, और हेल्प के लिए कोई जल्दी आता नहीं है। हेल्प के लिए जल्दी कोई आता ही नहीं है। अगर कोई बाइकर का ग्रुप साइड में से गया तो वो लोग हेल्प करते ही करते हैं, क्योंकि एक बाइकर ही बाइकर की फीलिंग समझ सकता है। हाँ, एक्चुअली ये इंसिडेंट वहाँ पे ग्रुप में एक जन ने बताया, इसके लिए आपको शेयर कर रहा हूँ। उसने सोलो राइड किया था और दिल्ली जा रहा था एक्चुअली, तभी उसकी गाड़ी अचानक से ब्रेक डाउन हो गई तो उसको हेल्प करने के लिए कोई आ ही नहीं रहा था। और कुछ तो टाइम 2 या 2:30 हो गया था रात के समय, तभी उसको हेल्प के लिए कोई आ ही नहीं रहा था। बाद में एक ग्रुप जा रहा था लद्दाख,
तो उन्होंने उसकी हेल्प की और उसको जहाँ जाने का था वहाँ पे ड्रॉप करके वो लोग आगे बढ़ गए। तो यही होता है ग्रुप राइड में, एक सेफ्टी होता है। सोलो राइड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सेफ्टी लेके चलो। Thank you.